और अब खबर उत्तराखंड के जोशीमठ से है। जोशीमठ में लगातार जमीन धंसने का सिलसिला जारी है और ऐसे में लोगों के घरों में दरारें पड़ती जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि बीते 48 घंटों में जमीन धसकने से टूटे मकानों की संख्या 561 से बढ़कर 603 हो गई है। जोशीमठ के 4 वार्डों को असुरक्षित घोषित करते हुए जानमाल की सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें तत्काल खाली कराने के आदेश भी दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं कि अब सभी स्टेशन की कैरिंग कैपेसिटी का आकलन किया जाएगा तो वहां निर्माण कार्यों पर व्यवस्थित तरीके से रोक लगाई जाएगी। अब वही एनडीएमए की बैठक से पहले सीएम धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने जोशीमठ को लेकर विस्तार से बात की है और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सीएम धामी ने कहा यह समय अनावश्यक बातें करने का नहीं बल्कि एक टीम के रूप में मिलकर जोशीमठ में जान माल का नुकसान और शहरों को बचाने का समय है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता हिमांशु बरमौला लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जोशीमठ की अगर बात की जाए तो लगातार जोशीमठ में घरों में दीवारों में दरार का और जमीन धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में अगर पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो उन्होंने प्रधानमंत्री से चर्चा की है, उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन यहाँ पर दिया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर कुछ ही देर में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक होने वाली है और सीएम धामी खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे और इसको लेकर अभी तक जो सर्वे हो रहा था वो भूवैज्ञानिक के आधार पर हो रहा था, लेकिन इस बैठक में अब टेक्निकल, फिजिकल और हाइड्रोलॉजिकल तरीके से इसमें अब अध्ययन किया जाएगा और सीएम धामी कुछ ही देर में इस पर अपडेट लेंगे और बार बार प्रधानमंत्री कार्यालय इस पर लगातार अपडेट ले रहा है क्योंकि पीएमओ ने भी खुद, सीएम ने खुद कहा है कि प्रधानमंत्री ने भी व्यक्तिगत तौर पर लगातार जोशीमठ क्षेत्र की जानकारी ले रहे हैं। वहीं बात की जाए तो अब तक तकरीबन 603 परिवार शिफ्ट की हो चुके हैं और जो खतरे की जद में है, 500 से ज्यादा ऐसे मकान है जो खतरे की जद में और हजारों की संख्या में लगातार वहां पर स्थानांतरण हो रहा है और लगातार पुनर्वास की मांग की जा रही है और खुद चमोली जिले के जिलाधिकारी जो हैं हिमांशु खुराना वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि व्यवस्थित कैंप में जाएं और जहां पर रिलीफ कैंप बनाए गए हैं वहां पर रहें। जी हिमांशु, वहीं अगर यहां पर जिन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है उनकी बात यहां पर की जाए तो वो काफी असंतुष्ट यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने एक महीने पहले ही सरकार को बताना शुरू कर दिया था, लेकिन क्या कुछ कहा जा सकता है कि सरकार इस मामले में कहीं ना कहीं उस लापरवाही देखने को मिली है सरकार की? जी देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि खुद सीएम धामी ने इस चीज को लेकर 2 जनवरी की डेट कही थी कि 2 जनवरी से वहां पर भूदशाओं की बात सामने आने भी लगी थी, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं और आसपास के ग्रामीण हैं वो लगातार एक महीने से प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार थोड़ी लेट से चेती है क्योंकि जो एक महीने पहले से प्रोटेस्ट हो रहा था अगर उसको ध्यान में रखती सरकार तो हो सकता था कुछ जल्द ही फैसले लिए जा सकते थे। जी मांझू, मैं ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक कितने परिवारों को वहां से खाली करवा दिया गया है, कितने लोगों को वहां तक शिफ्ट कर दिया गया है सुरक्षित जगह पर? पहले ये आंकड़ा तकरीबन 567 के आसपास था, लेकिन अब बीते 48 घंटे में ये आंकड़ा 603 के आसपास हो चुका है और 603 मकाने ऐसी हैं जो अब वहां पर क्षतिग्रस्त हैं और जो रहने योग्य नहीं है और इसी के साथ ही 4 वार्डों को भी वहां पर अघोषित कर दिया गया है जो रहने लायक नहीं है और साथ ही साथ बात की जाए वहां पर तो 2 होटल भी अब सीज किए जा चुके हैं। जी, वही जोशीमठ में केंद्रीय टीम भी वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंची है, जांच करने के लिए पहुंची, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी हिमांशु? निश्चित तौर पर आज सुबह की बात है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से वहां पर 7 सदस्य एक टीम भेजी गई है और वो 3 दिन में रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी क्योंकि केंद्र सरकार ने भी इस पर बैठक की थी और इसके बाद ही कुछ निर्णय केंद्र सरकार लेगी इसके तहत। वहीं सीएम धामी भी लगातार बैठक कर रहे हैं और वो भी अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कह चुके हैं कि भूदशा वाले जितने भी जगह हैं वहां पर जल्द से जल्द लोगों को शिफ्ट कर दिया जाए और साथ ही साथ इसके की पिटकुल की टीम भी वहां पर पहुंची है और वो ये जांच करेगी कि जो तार हैं, जो बिजली के खंभे हैं, क्या उनकी स्थिति सही है या नहीं है।